राजस्थान में चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है। सभी पार्टियां रणनीति के गणित में उलझी हैं। जहां बीजेपी रैलियों के जरिए जनता का मिजाज बदलने की कवायद में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सत्ता पलट का एक खास प्लान तैयार किया है। दरअसल हाल में ही दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें एके एंटोनी समेत गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में ये तय किया गया कि कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। मायने ये कि कांग्रेस ने बीजेपी विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन के सारे द्वार खोल दिए हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 2 महीने पहले कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी का कोई वजूद नहीं। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये फैसला साबित करता है कि सत्ता की चाह उसे जो कराए वो सही।